हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुग्गल एजुकेशन एंड माय नेम इज़ दुग्गल। एंड आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, जिसे कई बार जो आपका एग्जामिनर है वो आपको लिख कर देता है। शुल्क माफ़ी के लिए अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें। तो ये वीडियो क्लास 7th से 10th तक के सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, एंड इसे हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो सबसे पहले जब आपको ये लेटर आपका जो एग्ज़ामिनर है वो पूछेगा, कैसे पूछ सकता है आपसे, या तो वो आपसे पूछेगा शुल्क माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, या हिंदी में होगा फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, या शुल्क क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र। तो आपको ये सभी फॉर्मेट याद रखने हैं कि ये सभी एक ही एप्लीकेशन के फॉर्मेट हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपको कैसे शुरू करना है इसे। तो सबसे पहले आपको आपकी जो आंसर शीट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से इसे शुरू करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय या महोदया। अगर आपके जो प्रिंसिपल हैं वो सर हैं तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, और अगर मैम हैं तो आप लिखेंगे महोदया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है, जहाँ पर हमने लिखा है क ख ग विद्यालय, तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। फिर जिस भी लोकेलिटी में आपका स्कूल है वो आपको लिखना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि जो काखागा विद्यालय है वो है विकास नगर, और ये कहाँ पर है, ये है चंडीगढ़ में। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको विषय लिखना है, तो विषय है शुल्क माफ़ी या शुल्क क्षमा कराने के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से एक वर्ड। चलिए आगे देखते हैं कि आगे आपको क्या लिखना है। फिर आपको एप्लीकेशन शुरू करनी है, तो सबसे पहले आपको अगर प्रिंसिपल हैं तो महोदय लिखना है, और अगर प्रिंसिपल मैम है तो आपको लिखना है महोदया। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं का छात्र हूं। तो यहां पर जो हमने एप्लीकेशन लिया वो क्लास 8th को लेकर ली है, तो यहां पर आप अपनी क्लासेस चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 7th में है तो 7th लिख सकता है, कोई बच्चा 10th में है तो वो 10th लिख सकता है। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ, मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि हमारे परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। जो यहाँ पर भरण पोषण लिखा है इसको आप पालन पोषण भी लिख सकते हैं। इसलिए मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ हैं, पर मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं कि आगे आपको क्या लिखना है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी फीस माफ करने की कृपा करें, जिससे कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका ना दूंगा। मुझे आशा है कि आप मेरी और मेरे परिवार की स्थिति को देखते हुए आप मुझे सहायता प्रदान करेंगे। इस उपकार के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। चलिए अब आपको लेटर एंड करनी है, तो एंड में आपको क्या लिखना है, एंड में फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखना है धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर कोई लड़का लिखेगा तो वो छात्र लिखेगा, और अगर कोई लड़की लिखेगी तो वो लिखेगी छात्रा। फिर आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है, फिर आपको आपका रोल नंबर लिखना है क्रमांक, और फिर जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है जो बच्चों आपको आनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीख पाए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। एंड अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई डाउट है तो आप अपने डाउट हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much, friends.